ममता बनर्जी से मिलने के बाद कमलनाथ ने कहा था कि ममता में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हासिल करने के लिए जिस भक्ति की जरूरत है वह न तो सोनिया गांधी ने दिखाया और न ही राहुल गांधी ने। माना तो यही जा रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कांग्रेस ने ममता को और ममता ने कांग्रेस को इतने जख्म दिए हैं, अब अगर पुराना सब कुछ भुला भी दिया जाए तो भी सोनिया गांधी विपक्ष के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऐसा किया तो सबसे बड़ी बात यह होगी राहुल गांधी का सियासी करियर जो है वो निप्त में चला जाएगा, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस की कीमत पर ही ममता बनर्जी की पार्टी अपने पैर पूरे देश में फैलाने लगेगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी के दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने अपनी उछल कूद तेज कर दी। इस दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से 2 बैठकें बुलाई गई, लेकिन दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी दोनों ही बैठकों में शामिल नहीं हुई। ममता की तरह मायावती ने भी इन बैठकों से दूरी बनाई। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के इरादे से ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं। इसका अंदाजा लगते ही राहुल गांधी एक्टिव मूड में आ गए। विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन में बैठक की जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में करीब 1 दर्जन पार्टियां साथ आई थी जिनमें बहुजन समाज पार्टी भी थी। इसके बाद विपक्ष की दूसरी बैठक हुई जिसमें भी राहुल गांधी मौजूद रहे और इस बार समाजवादी पार्टी बैठक में शामिल थी। हालांकि इन दोनों ही बैठकों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। संसद के अंदर और संसद के बाहर पेगासस विवाद को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच तालमेल पहले भी बेहतर रहा है, लेकिन अब लक्ष्य है कि वैसा ही तालमेल राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बैठाया जाए। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो ममता बनर्जी के भरोसेमंद माने जाते हैं, और हाल ही में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी 3 मुलाकातें कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी नई दिल्ली के दौरे पर पहली बार पहुंची हैं। ये दौरा करीब 1 हफ्ते का है। इस दौरान वह पक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी, जिसे मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता दिल्ली दौरे से अपना दावा मजबूत कर रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत से मिलेंगी। राहुल गांधी भी विपक्षी पार्टियों की बैठक में मौजूद रहकर खुद को विपक्षी नेता के तौर पर पेश करने में जुटे हुए हैं। बुधवार को भी विपक्षी पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई खुद राहुल ने ही की, जिसमें सपा से लेकर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने पर सहमति जता चुकी हैं, हालांकि वो यह भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा मुमकिन नहीं है। तो कांग्रेस भी यह जाहिर कर चुकी है कि विपक्षी दलों के एकजुट होने का वक्त आ चुका है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि ममता में शक्ति है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी कहा था कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एक समान सोच वाली पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता कारगर नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।